हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने JMD किसान यूट्यूब चैनल में। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे विपक्ष में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के कुछ बयानों पर बात करेंगे। उन्होंने सत्ता पक्ष यानी भाजपा को घेरने का काम किया है और उन्होंने किसानों का साथ दिया है, किसानों के हित में बोलने का काम किया है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि अब हमें लग रहा है विपक्ष भी किसानों का साथ देना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, किसानों को अन्नदाता ज़रूर कहा जाता है, किसानों के सहारे ही पूरा देश चल रहा है, लेकिन किसान और जवान बहुत परेशान हो जाते हैं, सरकारें बहुत ही देर में उनके विषय में सोचते हैं। चाहे बाबा जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव जी की सरकार हो रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, किसान सभी में शामिल हुआ, किसानों का सब में योगदान रहा, जवानों का सब में योगदान रहा, लेकिन सरकारें बहुत ही देर में इनके विषय में सोचती हैं। लेकिन चलता सब कुछ, देश चलता किसानों के सहारे, जवानों के सहारे, लेकिन तब भी सरकारें इनके बारे में बहुत देर लगाती हैं सोचने में। चलिए मेन टॉपिक की बात करते हैं। अखिलेश यादव अब नए वर्ष में किसानों के पक्ष में बोलना शुरू कर दिए हैं, तो हमें लगता है सत्ता पक्ष को अब सुनाई जल्दी देगा, क्योंकि किसान चिल्लाते रहेंगे, सरकारें नहीं सुन पाती हैं, क्योंकि उन तक आवाज़ नहीं पहुंचती है। किसी न किसी माध्यम या तो ख़राब होता है, या तो उस टाइम इन सरकारों के, इन सत्ताधारियों के कानों में जू नहीं रेंगता है। लेकिन जब विपक्ष एक हल्की आवाज़ उठाता है तो बहुत तेज इनके कानों में भनक पड़ती है। तो हो सकता है अखिलेश जो बिजली जो चुनावी भाषण दिए थे सत्ता पक्ष वाले, यानी भाजपा सरकार ने कहा था कि सरकार बनने के बाद किसानों की बिजली मुफ्त कर दी जाएगी और दुनिया भर के बिजली के विषय में बात की थी और किसानों का पेमेंट के लेकर के बात करी और गन्ना पेमेंट और गन्ना मूल्य रेट ये सब कुछ के लिए बात करी, तो उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ना तो बिजली मुफ्त की करी गई और ना तो अभी पिछला बकाया पेमेंट पूरा हो सका है। बहुत सारा रुपया हमारे किसान भाइयों का मिल मालिकों के पास है और सरकारें उन पर अनदेखा कर रही हैं। चुनाव के टाइम आवाज़ तो बुलंद करती हैं लेकिन बाद में भूल जाती हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ सरकारों से कि हो सकता है जल्द से जल्द उनके कान तक आवाज़ पहुँचे।